देखा जाए ना, ये देख सकते हैं ना आप, काफ़ी खूबसूरत लग रही है जिस एंगल्स पे आपको इसका, ये चाहिए ना, काफ़ी खूबसूरत आ रही है। ये देख रहे माशाल्लाह से, मैं फ्रेम में कवर ही नहीं हो रही थी, माशाल्लाह से बड़ी मस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी, आया नो सब बिस्मिल्लाह, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज ईमान में होंगे। सबसे पहले वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आप थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा कि आज हम आपको किसी मॉस्क का विज़िट करवाएंगे, मस्जिद का। तो आज हम आपको काफ़ी तारीखी मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू इसका, ये है वाह कैंट में मौजूद जामिया मस्जिद के नाम से, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। तो उसका आपको आज विज़िट करवाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा व्यू इसका आप। तो बाकी इसके अंदर चलते हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा बाहर से विज़िट करवाते हैं। देख सकते हैं बाहर भी काफ़ी सारी जगह है, इसकी हरियाली है। तो बाकी ये देख सकते हैं आप यहाँ से, इसके काफ़ी जगह से आपको व्यू चेक करवाते हैं पहले पार्क से। ये बाहर काफ़ी पार्क चेक बने हुए हैं, आप इसलिए यहाँ बैठ सकते हैं, ईद की नमाज़ वगैरह भी यहाँ पर होती है। बाकी यहाँ पे आपको जुम्मे की नमाज भी होती है, इस बार ज़ोर की नमाज है जो हमने अंदर चल के अदा करनी है। माशाल्लाह से देखें, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, और ये इसका मेन गेट है माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं इसका मेन गेट है जो कि उसका बंद है, लेकिन वो साथ वाला जो है गेट वो बाजू में गेट हैं, लेफ्ट पे भी हैं राइट पे बल्कि ओपन होते हैं। तो वो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इसके गेट हैं वो इसके ओपन होते हैं, तो वहाँ से एंटर होते हैं हम। लेकिन आपको थोड़ा सा पास बाहर से व्यू करवा सकते हैं आपको, ये देखिए इसका मेन गेट है जो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन या और ईद की नमाज खुलता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से माशाल्लाह से, काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा है, तारीखी है, मुगलिया दौर की मस्जिद है, काफ़ी इसकी हिस्ट्री है। तो ये आप बाहर से देखते हैं वाह कैंट में मौजूद है ये जामिया मस्जिद, यहाँ से आप व्यूज चेक करें अपनी इसकी। ये आपको मेन गेट का विज़िट कराया था और वो दूसरी साइड से था, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। चलें जी अब चलते हैं अंदर, और पहले नमाज पढ़ते हैं, तो उसके बाद चलिए आपको इस मस्जिद के अंदर से व्यू चेक करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी कहिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। चलिए जी अब अंदर चलते हैं, उसी तरह करके नमाज पढ़ लेते हैं। जी जी हम मस्जिद के बिल्कुल इंटर हो चुके हैं, इस गेट से एंटर हुए हैं, वो उसका मेन गेट था जो कि बंद था, तो वहाँ से एंट्री नहीं थी। ये देख सकते हैं पार्क से काफ़ी खूबसूरत इसका व्यू है, पार्क भी इसके पार्क वगैरह है, आप चेक कर सकते हैं दोनों साइड पे, इस साइड पर भी और उस साइड पर भी। ये वाह कैंट में जो मस्जिद है जामिया मस्जिद जैसे लगता है, ये काफ़ी तारीखी मस्जिद है, इसको छोटी बादशाही मस्जिद भी, मिनी शाही मॉक्स भी कह रहा था जो लोग लाहौर में। तो बाकी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है जी, तो आपको इसको थोड़ा सा व्यू चेक करते हैं एक बार से, इसका आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे नमाज जुमा वगैरह
ये दुर्गा के नमाज पढ़ जाती है। इस सारी से तीन सेट्स के गेट हैं, ये एक गेट है, ये देखिए मेन गेट है, ये जो आज बंद है ये सिर्फ ईद पे हो चुका है खुलता है, और एक ये वाला गेट है वो सामने आप देख सकते हैं वाली जगह बनी हुई है। और यहाँ पे नीचे करके इस साइड पे तहारत खाने हैं, क्योंकि अगर किसी को ना पता चले तो मैं इसे बता रहा हूँ। तो बाकी ये खूबसूरत मस्जिद का बाद से आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, तो बाकी ये आपको आप ओरिजिनल सही मस्जिद चेक करते हैं माशाल्लाह से, ये देखें आप काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। हमने भी यहाँ पे जोर की नमाज अदा की है अभी के बाद आप ये थोड़ा सा व्यू कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। देखें बादशाही मस्जिद की तरह की तर्ज पर बनाई गई है, एक मुगलिया दौर की मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से इसकी रिटर्न फॉर्म में दे दूँगा। बाकी ये देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, पानी वगैरह भी इंतज़ाम है, सफाई वगैरह का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, ये देख सकते हैं आप। इस मस्जिद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, अल्लाह का गाल जो भी होता है माशाल्लाह से खूबसूरत होता है, लेकिन ये एक तारीखी मस्जिद है, वाकई में मौजूद है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। आपको थोड़ा सा व्यूज कम है, ये इसका जो है मेन गेट है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसका मेन सारा व्यू चेक करवाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मोगलिया दौर की गेट वगैरह भी उसके उस जमाने के लगे होंगे। ये इसका मेन गेट है, और यहाँ से आप अगर चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये पूरी मस्जिद माशाल्लाह से नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप, इसका सारा अहाता है बाढ़ का, और ये मस्जिद सारी देखिए आप काफ़ी खूबसूरत गुम्बद इसके बने हुए हैं, जो आपको थोड़ा सा करीब चल के चेक करवाता हूँ। लाइटिंग वगैरह भी माशाल्लाह से हुई हुई है, लेकिन रात के बाद काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ पर मंजिल पेश होता होगा, क्योंकि इस वक्त जोर का टाइम है, जोर की नमाज में पड़ी है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं इस साइड से, और ये इस साइड से माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। बाकी आप चेक करें, बाकी आप इससे चेक कर सकते हैं बस पारी गया हम यहाँ पे। ये माशाल्लाह से देखें काफ़ी खूबसूरत है, तो सार के चल के आपको अंदर इसका फीचर करवाते हैं, अंदर से जो कुछ मस्जिद का आप जो देखें माशाल्लाह से देखें। आपको थोड़ा सा करीब से इसका व्यू खाते हैं, देख सकते हैं आप नमाज से नमाज पढ़ रहे हैं। बाकी इसका आपको ये अब इसका अंदर वाला करिए, ये आप चेक कर सकते हैं, जगह ये बाकी देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती। मैं कहता हूँ जितनी भी तारीफ की जाए ना इस मस्जिद की काम है, ये देखें माशाल्लाह से इसका यहाँ से आप इसको चेक करें, बाद से एक दफ़ा आपको दोबारा व्यू कराते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी इस्लामी और जो मिक्स वीडियो कैसी लग रही है, ख़ासतौर पर हमारी मस्जिद वाली वीडियो आपको कैसी लगी,
देखिए माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत, जिस एंगल से भी इसको देखा जाए ना, ये देख सकते हैं ना आप, काफ़ी खूबसूरत लग रही है जिस एंगल से भी आपको इसका, ये चाहिए ना, काफ़ी खूबसूरत आ रही है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, मैं फ्रेम में कवर ही नहीं हो रही थी, माशाल्लाह से बड़ी मस्त है। चलिए जी, आई थिंक अब अपना व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 कमेंट करके लाजमी बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आपको ऐसी वीडियो जब भी कभी आएंगे तो आपको मैंशन हो जाएगा। चलें जी, हमें दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इस नई जगह पर। तब तक लाने के बाद और फिर ईमान अल्लाह।